हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था लास्ट टाइम कि हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे, तो हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है जिसमें आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग उसका बेसिक्स प्लान तैयार करते हैं और उसमें डोर और विंडो लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपके सामने रेविट खुलता है, आपने रेविट आपके सॉफ्टवेयर होगा, नहीं होगा तो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपको रेविट सॉफ्टवेयर अवेलेबल करा सकते हैं। आपको जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद यू एंड इंटर क्रिएट, इसे यूएन लिखेंगे तो आपके लिए आ जाएगा यूएन के चेंज करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो आपको लेंथ लेंथ कौन सी यूनिट में चाहिए, यहाँ पर आपने क्लिक किया। आपको फीट एंड फ्रैक्शन इंचेस चाहिए या मीटर चाहिए या डेसिमल या सेंटीमीटर चाहिए, जिस यूनिट में कंफर्टेबल है। जैसे कि मैंने फीट एंड फ्रैक्शन इंचेस है तो चलिए इसी में बना देते हैं। उसको करने के बाद ओके किया और फिर इस तरीके से हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम, जस्ट चेक योर लेवल्स, लेवल कैसे करना है, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट किसी भी एलिवेशन पे डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जिससे डबल क्लिक करेंगे इस तरीके के बॉक्स आ जाए, देखिए 10-10 फिट पे कैन फिट, लेकिन अभी हमको और फ्लोर बनाने हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेवल्स ले लेंगे और लेवल्स लेने के बाद हमें ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब इस 10 फीट तो है नहीं, आपको 10 फीट करना है, इस पर क्लिक करके 10 फिर बाहर क्लिक करिए। आप क्या करेंगे, इससे फिर से क्लिक करेंगे तो फिर होगा 10 फीट नहीं होगा ये, तो आपको पहले बाहर क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ क्लिक करके 10 फीट 10 फीट फिर यहाँ तो आपको बस इतने प्लान्स होते हैं इसमें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। हमने पिछले छोटे छोटे वीडियोस बना के हमने बताया था आपको कि लेवल का नाम कैसे एडिट करना चाहिए, तो वो अगर आपको देखना है तो वो सीरीज अलग है, तो उसको आप कंप्लीट देख सकते हैं, तो उसमें बेसिक्स चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कैसे प्लान तैयार करेंगे। अब लेवल 1 से आपको स्टार्ट करना है, जस्ट गो टू लेवल 1। लेवल 1 पे जाने के बाद सबसे पहला काम वॉल पे जाना है, एडिट टाइप, डुप्लीकेट 9 inches, edit 9 inches, okay. इसका height fix कर दो, height इसका 10 feet होगा, तब 10 feet, ठीक है, आप ऐसे होगा 10 feet, आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। उसके बाद जैसे गए यहाँ पे तो यहाँ से आपसे पूछता है क्या कि आपको rectangular shape है कि कैसा plot है, मैंने कहा ठीक है ऐसे रेक्टेंगल खींचते हैं, रेक्टेंगल खींचते हैं और उसके बाद यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रेक्टेंगल खींच लिया। रेक्टेंगल खींचने के बाद अभी आपको इसका क्या साइज रखना है, इस पर क्लिक किया ना तो इसका ये एडिट होगा। और सपोज हमने इसका ये रखना है, फ्रंट रखना है 30 फीट रखना है, तो हमने 30 फीट लेके इस तरीके से इंटर, तो आप बोलोगे सर बहुत लंबा प्लॉट हो रहा है, तो हमने ये देखिए इस तरह से क्लिक किया तो इसको एडिट करना होगा। देखिए इसको कम करना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको कम करना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा पोलिट होता है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने कहा, मैंने कहा इसको आप 50 फीट कर दीजिए। अब ये इस तरीके से हमारा प्लॉट का साइज हो गया, इतना समझ आया आपको। अब इतना प्लॉट का साइज लेने के बाद अंदर जो रूम्स बनाने, इधर रूम बनाना है, इधर रूम बनाना है, इस तरीके का रूम बनाना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनर वॉल हम लोग 4.5 की रखेंगे, तो 4.5 के लिए एक बार वॉल पे जाइए और फिर से एडिट टाइप पर क्लिक करिए और डुप्लीकेट जैसे जाएंगे ऐसे हमने क्लिक किया इसके मिड पॉइंट से, या एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से हमने देखा है कि इसका जो साइज है, अगर हमने ले लिया डायरेक्ट 12 फीट, और 12 फीट लेने के बाद हम लोग चाहते हैं, मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ सभी प्लॉट पे 5 फीट पीछे की ओर स्पेस छोड़ देता हूँ, इसलिए 5 + 12 मैंने 17 फीट ले लिया। हमने दिखाता हूँ कैसा, तो मैंने क्या किया एक रूम तैयार कर दिया यहाँ पे, बट
एक 5 फिट की यहाँ पे गैल इस तरह से। और फिर आपके पास अब ये लाइन एक्स्ट्रा हो गया, तो आपको मैंने पहले एक छोटी छोटी कमांड जैसे बताया था सीरीज में, यहाँ पे ट्रिम कमांड होती है पॉज। अभी मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आप वॉशरूम दे सकते हैं, यहाँ पे आपको कूलर वगैरह प्लेस करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इधर क्यों बना लें, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके मिरर कमांड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप मिरर पे कैसे होता है, ये होता है ड्रॉ एक्सिस। हमने ड्रॉ एक्सिस लिया, दो टाइप के मिरर होते हैं, यहाँ पे एंट्री पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए इधर भी हो गया, अब बीच में आपकी गैलरी आ गई। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर रूम दे सकते हैं, या आप यहाँ पे बना सकते हैं इनके, अगर सामने वाले को पब्लिक जरूरत है एक और वॉशरूम की, एक वॉशरूम हटा सकते हैं, एक वॉशरूम यहाँ, और बीच को पूरा जो है ओपन रखेंगे। ठीक है, हम ये आपको प्लॉट हम पूरा प्रॉपर बना के दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पे वॉल पे फिर आएंगे, और हमने बोला गया है कि उन्होंने जिसका घर है उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली कि सर मैं यहाँ पे कार पार्किंग रखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप वहाँ पर कार पार्किंग रखो। यहाँ पे मैंने 5 फीट का स्पेस छोड़ के और एक 14 फीट का हॉल तैयार कर दिया। और इधर भी मैंने लिया 14 फीट, किचन के लिए 10 फीट इनफ है, तो मैं 10 फीट डाला और ये 10 फीट यहाँ पे आ रहा है मतलब ओके। ठीक है, वैसे अगर ये 9 इंच की वॉल हो जाएगी तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, उसको आप या इरेज कर दो बेटर होगा, क्योंकि वॉल 4.5 में, क्योंकि इनर वॉल है, आपको याद रखना है कि 4.5 ही रखना है। ये 12 था, 12 से 2 फीट एक्स्ट्रा आ जाओ, ये आ गए। और यहाँ से देखिए यहाँ तक हमने तैयार कर दिया किचन, क्योंकि बहुत बड़ा बनना है तो हमने क्या किया 10x10 का रखा, तो 10 फीट का रहा और यहाँ पे किचन छोड़ दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किचन छोड़ दिया, यहाँ पे एक ये हो गया, एक अगर स्टोर रूम देना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ एक स्टेयर केस हम लोग लगा सकते हैं, स्टेयर केस इस तरीके से प्लेस करके ऐसे 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 जा सकते हैं स्टेयर केस। ठीक है, या आप ऐसे स्टेयर केस लेके ऐसे, और यहाँ पे कार पार्किंग अच्छी से दे सकते हैं, यहाँ पे आपने गार्डन दे रखा है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि 1 फीट इसको और पीछे करो, नहीं ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एक स्टेयर्स लगा देते हैं। स्टेयर्स के लिए मैंने कल ही वीडियो डाला था कि हाउ टू मेक मोनोलिथिक स्टेयर, तो सबसे फेवरेट है मेरा, मैं वही यूज़ करता हूँ, तो आप लोग वही मोनोलिथिक यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये लीजिए, और यहाँ जाके मोनोलिथिक कलर आया था, यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, और उसके बाद एडिट टाइप पे जाके राइजर यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 9 इंच दिया, बिट सही है, अप्लाई ओके। और अब इसमें स्टेज ऐसे करके ऐसे दे सकते हो, या अच्छा होगा कि ये वाला देते तो ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ से आप इसको लेफ्ट कर दीजिएगा तो इजी हो जाएगा आपको बनाने में। ये देखिए इस तरीके से ऐसे, स्टेयरकेस तैयार हो गया आपका। अब देखिए आपके पास स्टेयरकेस भी हो गया, यहाँ से आप कार भी एंट्री करवा सकते हो कार की भी, और ये आपका डोर भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, इस तरीके से आपकी प्लानिंग रन होगी राइट। अब इसमें हम क्या करें कि लाइक यहाँ पे सामने एंट्रेंस देना पड़ेगा ना एंट्री, तो उसके लिए इसको वॉल को कट कर दे, और कट भी नहीं करने का भी तो आजकल तो ये देखिए कर देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बड़ा सा गेट लगा दूंगा जिससे ये एंट्री हो जाए, यहाँ पे आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हो, गमले वगैरह लगा सकते हो, और ये किचन हो गया, ये रूम हो गया, एक रूम ये हो गया, मतलब 2 BHK कम्प्लीट हमने तैयार कर दिया। ठीक है, और इसके बाद काफ़ी स्पेस भी दिया है जिससे कि देखने में भी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो हॉल को थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद इसमें हम लोग डोर और विंडो प्लेस करेंगे, डोर और विंडो कैसे प्लेस करेंगे देखिए, यहाँ पे जाना है डोर पे, यहाँ पे डोर पे जाने के बाद एडिट टाइप पे जाइए
और यहाँ पे देखिए आपका डोर का जो थिकनेस है ये ठीक है, हाइट ये है 7 फीट, सही है। विड्थ देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट विड्थ है, तो हमने 3 फीट रखा, ठीक है। मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, इस विड्थ को मैं, इस डोर को मैं यहाँ से प्लेस किया। देखिए अगर एक का डोर इधर से दे रहे हैं तो अच्छा होगा कि दूसरे का डोर इधर से दे रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। किचन में दे दिया और इधर का मैं सोच रहा हूँ इधर देते हैं, ठीक रहेगा। तो इस तरीके से हमें इसमें दे दिया डोर। अब आप बोलोगे सर ये डोर सारे के सारे बाहर खुल रहे हैं, नहीं, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अंदर की ओर एंट्री हो जाएगी इसकी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे विंडो की प्लेसिंग कर देंगे। विंडो की प्लेसिंग करने के लिए यहाँ पे क्लिक और यहाँ क्लिक करके यहाँ पे प्लेस करेंगे तो विंडो हो जाएगा, विंडो तैयार हो गया। यहाँ पे भी अगर देना है तो दे दीजिए, उस विंडो किचन में देने की जरूरत नहीं है, वेंटिलेशन देना चाहिए हमें। और एक विंडो यहाँ पर प्लेस कर दिया और उसके बाद एक विंडो यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने एक बेसिक्स प्लान तैयार कर दिया और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाइक एक विंडो यहाँ तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर विंडो डाल देंगे सेंटर, ठीक। और उसके बाद हम लोग अगर इसको देखेंगे कैसा दिख रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद एक कम और कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे वॉशरूम डाल देंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि हमने वॉशरूम का कहीं भी स्पेसिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो एक वॉशरूम हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और एक छोटा वॉशरूम यहाँ पे डाल सकते हैं गेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वॉल पे क्लिक करिए, बहुत बड़ा नहीं बना रहे क्योंकि ये छोटा सा है और इसको हमने क्या किया थोड़ा सा मूव कर दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसको बढ़ाने का यहाँ से तरीके, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको कर दिया, छोटा वॉशरूम यहाँ पे ऐड कर दिया, एक वॉशरूम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और भी अगर सामने वाले को नीड है तो हम और भी बना सकते हैं, डोर डन। इस तरीके से हमने इतना तय कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये नल समझ आ गया होगा कि बहुत ही चीज़, फिर इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये बनने के बाद, ठीक है। हमने एक प्लान तैयार कर दिया जिसमें 2 BHK, 2 बाथरूम भी है और क्या बोलते हैं, इतना प्लान तैयार कर दिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसमें फ्लोर कैसे लगाते हैं, उसके सेकंड फ्लोर की प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा कि आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर इस तरीके से नॉर्मली बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको ईजी समझ में आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको लगता है कि इसमें क्या बोलते हैं और कुछ बनाओ लाइक हॉल, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट, तो आप उसके लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स अपना कांटेक्ट नंबर सेंड कर दीजिए, मैं आपसे फ्री होकर बात कर लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।